वलसाड खाते भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल उपस्थिति में वलसाड विधानसभा पेज कमिटी ने कार्यक्रम कार्ड वितरण कर वलसाड तीथल रोड कोड़ी पटेल समाज की वाड़ी खाते योजना कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमिटी कार्ड की साथ साथ तालुका पंचायत की चूंटी में चूंटाये सभ्यों सम्मान कर नमस्कार मित्रों, आज वलसाड विधानसभा धारासभ्य श्री भरतभाई पटेल द्वारा पोताना मत विस्तार कार्यकर्ताओं साथ एक संवाद कार्यक्रम आयोजन करमें ने एक अभ्यास कार्यक्रम करवा सौ आगेवा श्री के सी पटेल श्री रमण भाई पाटकर धारासभ्य श्री कनुभाई श्री भरत भाई आ बदा हाजर रहा था। खूब मोटी संख्या में कार्यकर्ताओं आया। हमें सोशल मीडिया महत्व अने उपयोग करने एक सीस्टम एना कार्यकर्ताओं ने समझाया है। साथ साथ आ सोशल मीडिया के टेक्नोलॉजी उपयोग कर लाभार्थियों सुधी के पहुँचाया लाभ कई रीते आपो एना बात करी है। अने हवे रोजिंदा जीवन में चूंटायेला सभ्यों व्यवहार केवो जोईए, एमने अधिकारी साथ काम करती वक्त कया कायदा नियमों उपयोग करव जो अने एक कलाको अभ्यास वर्ग पाछो एक कलाक थोड़ी वार पछी अहीं रखवामां आव्यो छे। एना द्वारा अमे नवा चूंटायेला सदस्यों ने पण एज्युकेट करीए छे जेथी अमे वधु सारी सेवा लोकोने करी शकीए। सर, आपे कीधुं पार्टी विथ डिफरन्स एक नवी प्रणाली शुरू करी छे, कार्यकर्ताओनो पण आपनो सम्मान जळवाई एना छे, तेज नुं आयोजन छे। पार्टी विथ डिफरन्स छे ज एटले कार्यकर्ताओ दरेक आगेवान ए प्राथमिक कार्यकर्ता छे, ये प्रथम कार्यकर्ता है, ये बात बधाना मन में रहे। एट्ला एक नवी सीस्टम अमे दरेक जगह अपनावी छे कि दरेक नेताओं पण कार्यकर्ताओं की साथ बेसे अने तो ज एमने एक फीलिंग आवशे कि भाई बधा अमारी साथ छे। एना माटे अमे आ एक नवो प्रयोग चालू कर्यो। सर, एक छेल्लो सवाल, कोविड-19 यात्रा करीने कांग्रेसे यात्रा करी रही छे तो एमां एक फॉर्म भराव्यो छे कि 4 लाख रुपयानुं वर्तन मळे, शुं आ एवुं ज फॉर्म छे जे गई वखते विधानसभानी चूंटणी वखते 100 रुपया લઈને એટલું ઘરનું ફોર્મ ભરાવ્યું? તમારા પ્રશ્નમાં તમારો જવાબ બી આવી ગયો છે। કોંગ્રેસ ગેરમાર્ગે ધોરણનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે ત્યારે પણ અમને ગરીબ લોકોને મકાન આપવાની લાલચ આપીને ફોર્મ ભરાવ્યા અને પછી એ ફોર્મ આપણને ગટરમાં કે કોઈ નદી કિનારે મળ્યા, પરંતુ અમને ઘરનું સપનું પૂરું કર્યું નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે અને 22 સુધીમાં કોઈપણ ઘર વગરનો ન રહે એ પ્રકારના સંકલ્પ સાથે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આગળ વધી રહ્યા છે અને આ સંકલ્પ પૂરો કરવાની તૈયારીમાં છે। જે ક્યારેય સત્તામાં નથી આવવાના, આ લોકો આવું ફોર્મ ભરાવીને લોકોને ખોટી આશાઓ જગાડીને લોલીપોપ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે।